बहुत अच्छी लगी ये ड्रेस। खुल जाएगा वो ऐसे पूरा, गिरूंगी मैं पक्का। और ये ना मेरी बॉडी को कंफर्टेबली, एंड या से हाय टू माय लिटिल स्टमक। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अब हम फिर से आ गए एक नए हॉल के साथ। हम सबको पता है, देखो क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो हमें पार्टीज पे जाना पड़ेगा। सो आज मेरे पास है कुछ बहुत ही प्रीटी पार्टी ड्रेसेस जो मैंने मिंत्रा से मंगाई है, और आप यहाँ पे इन्हें देख सकते हो। मतलब एक झलक आप इन ड्रेसेस की ले सकते हो। ये सारी ड्रेसेस रेड है, सो ये एक्चुअली हमारा एक रेड हॉल है। सो हम एक एक करके ड्रेसेस देखेंगे कि कैसी आई हैं, उनका रिव्यू करेंगे, एंड विल सम अप द वीडियो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब हम अपनी सबसे पहली ड्रेस देखेंगे जो सबसे आगे लगी है, ऑफ कोर्स। सो द ब्रांड इज बेसीवा। अब मैं इसे ट्राई करूंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ड्रेस कैसी है। तारा, सो दिस इज द फर्स्ट ड्रेस, और एक्चुअली इस ड्रेस का फिट बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हो कि कितनी बॉडी आपके फ्लैटरिंग लगेगी इस ड्रेस में। और ये मैंने साइज परचेज किया था स्मॉल, और मुझे परफेक्टली फिट आया है। मेरा जो बस साइज है वो है 34, तो आप रेफरेंस के लिए वो देख लेना। साइज आपका बिल्कुल पर्टिकुलर फिट आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। सो दिस इज द नेक। अब ये ऑफ शोल्डर है, शोल्डर्स आपके ऐसे बेयर रहेंगे, और यहाँ पे ना रफल डिटेलिंग दी हुई है। तो जो भी बंदा ना, या जो भी पर्सन आपकी ड्रेस को देखेगा ना, सबसे पहले ध्यान उसका इस रफल्स पे जाएगा, क्योंकि डिटेलिंग बहुत अच्छी है। सो आप बिल्कुल अपना नेक और अपनी शोल्डर्स फ्लॉन्ट कर सकते हैं इस ड्रेस में, और सच में बहुत सुंदर लगोगे। अब इसकी जो स्लीव्स है वो फुल है, बट स्लीव्स बेसिक नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी रफल डिटेलिंग्स दी हुई है। सो दिस इज एक्चुअली अ टीयर्ड स्लीव्स, और सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये ना नीचे से बिल्कुल बेसिक है, सो इट्स अ बॉडीकॉन ड्रेस। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, बट कंफर्टेबली आपकी बॉडी को हग करेगी। बट ये बोरिंग ना लगे, इसके लिए यहाँ पे से रफल्स दिए हुए हैं, आपकी स्लीव्स पे भी रफल्स दिए हुए हैं। सीरियसली बहुत 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 अच्छा लग रहा है। और इस पर्टिकुलर ड्रेस में कोई भी जिपिंग नहीं है, कोई भी बटन्स नहीं है। एक बार मैं आपको बैक दिखा देती हूँ। बैक बिल्कुल प्लेन है, सेम रफल डिटेलिंग है ऊपर, और नीचे से बिल्कुल प्लेन है। आप देख सकते हो कहीं पे भी जिप नहीं है, साइड्स में भी कोई जिप नहीं है। सो इसमें कोई भी जिप नहीं है, कोई भी बटन नहीं है। बट ये जो मटेरियल है ना, ये थोड़ा लाइक्रा गुड क्वालिटी टाइप का मटेरियल है, एंड इट्स सुपर स्ट्रेची। देख रहे हो, बहुत स्ट्रेची है, इजीली आपको कंफर्टेबली हग करेगा, बट आपको टाइट और सफोकेटेड फील नहीं होगा। और सीरियसली आप जिस भी पार्टी में ड्रेस पहनोगे ना, सबकी नज़र आप पे जाएगी। और किसको रेड ड्रेस पसंद नहीं होती, सीरियसली बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसका ब्रांड मैंने आपको बता दिया, बेसीवा, BESIVA, शायद इसे ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। अभी मुझे पर्टिकुलरली ना इसका प्राइस याद नहीं है, तो सबके प्राइस ना मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ पे देख सकते हो, और लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो सीरियसली मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। आई एक्चुअली लव दिस ड्रेस, इट्स लुकिंग सो प्रीटी, आई लव इट। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसका मटेरियल ऐसा है कि आपकी बॉडी को कंफर्टेबली हग करेगा। ये जो आपका छोटा सा टमी होता है ना, जो बाहर निकला होता है, वो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं लगेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा टाइट होती तो आप देख सकते हो मेरा स्टमक दिखता, बट ये मुझे कंफर्टेबली फिट हो रही है तो इतना दिख नहीं रहा है। सो आपको ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, ये सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और देखो, आपका स्टमक हो या ना हो, एवरी बॉडी शेप पे बॉडीकॉन ड्रेसेस पहनी जा सकती है। आप ये मत समझा करो, मतलब ऐसा अपना परसेप्शन मत बनाओ कि इफ़ यू आर स्लिम तभी आप बॉडीकॉन ड्रेसेस पहन सकते हो। अगर आपका थोड़ा सा स्टमक है जैसे मेरा है, या थोड़ा ज़्यादा भी है, आप हेल्दी हो, तब भी आप बॉडीकॉन ड्रेस में बॉम्ब लगने वाले हो। जस्ट सीरियसली ट्रस्ट मी ऑन दिस। एक बार जो लोग क्या कहेंगे ना, वो वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल लो, और फिर आप देखना दुनिया की हर ड्रेसेस फ्लॉन्ट कर सकते हो। सीरियसली जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो पहली ड्रेस का रिव्यू होता है ये पे खत्म। सुन, अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट ड्रेस की। इसका जो ब्रांड है वो है ट्रेंड अरेस्ट, और इसका साइज है स्मॉल। अब मैं इसे ट्राई करती हूँ कि मुझ पे कैसी लगती है। सो आई एम बैक विद द ड्रेस ऑन। सीरियसली मुझे बहुत 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 अच्छी लगी। अब पहले मैं माइनर डिटेल कवर कर देती हूँ। अब जो इसका नेकलाइन आप देख सकते हो, वी है और स्पेगेटी स्ट्रैप्स हैं। थोड़ा पीछे से भी देखो, थोड़ा यहाँ से खुला है, बाकी लेंथ में ना लंबी है, मेरे बिल्कुल नीचे तक आ रही है। मे बी आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, वेट अ मिनट। सो या, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस ड्रेस का पर्टिकुलर लेंथ कैसा है। सो अब आप देख सकते हो पूरा लेंथ कि मेरे बिल्कुल नीचे तक आ रहा है, बिल्कुल यहाँ तक। थोड़ा सा लंबाई है मुझे ये, अगर मैं हील्स पहनूंगी तो देखो फिर ये फ्लोर पे टच नहीं करेगा। फ्रंट स्लिट है, बट स्लिट इतना हाई नहीं है कि बिल्कुल आपके यहाँ तक आ जाए, बस आपके नीज या थोड़ा सा अपर नीज तक स्लिट आएगा, उससे ज़्यादा नहीं है। सीरियसली काफी अच्छा है इसका पैटर्न, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये एक्चुअली मेरी बॉडी को कंफर्टेबली हग भी कर रहा है। इसका जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बॉडी हगिंग है, बट आपको फंसा फंसा फील नहीं होगा, बहुत ही रिलैक्स्ड फिट है।
कंफर्टेबल फिट है, सो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। और कलर आपको दिख ही रहा होगा, इट्स नॉट अ रेड कलर, इट्स एक्चुअली अ मरून कलर। मुझे तो ड्रेस काफी अच्छी लगी, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आई तो एक्चुअली लव रेड ड्रेसेस, आई जस्ट लव 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 रेड ड्रेसेस, इट एक्चुअली मेक्स यू फील बोल्ड ना, थोड़ा कॉन्फिडेंट लगता है मुझे ऐसा लगता है, ब्लैक और रेड ड्रेसेस पहन के थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता है। अगर आप भी मेरी बात से एग्री करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। एंड यहाँ से हाय टू माय लिटिल स्टमक, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं हूँ और आप लोगों को भी नहीं होना चाहिए। एक्चुअली वैसे मैं सारी डिटेल्स कवर कर रही हूँ, बट स्टिल अगर कुछ रह जाता है, आपको कोई डाउट है, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखा करो, क्योंकि मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। सो हाँ, एक चीज़ मैं और बताती हूँ, इसका कपड़ा ना काफ़ी मोटा है, मतलब काफ़ी नहीं थोड़ा मोटा है और थोड़ा टेक्सचर्ड है कपड़ा। अब आप विंटर्स में पहनोगे ना तो थोड़ा आपको इजी रहेगा, क्योंकि कपड़ा पॉलिएस्टर जितना पतला नहीं है, थोड़ा सा विंटर अप्रोप्रिएशन है इसमें। सो ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। मुझे तो ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी, इट एक्चुअली मेक्स मी लुक लाइक अ सेक्सी लेडी, और आपको भी ऐसा फील होगा। अगर आपको ड्रेस पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर सेव करना, और अभी तो बहुत सारी सेल चल रही है तो ऑर्डर कर लेना। और अब बारी है हमारी थर्ड ड्रेस की। सो थर्ड ड्रेस हमारी थोड़ी ब्लिंगी ब्लिंगी सीक्वेंस टाइप की ड्रेस है, और इन दोनों का ब्रांड ना सेम ही है, ट्रेंडरेस्ट। और इसमें जो मैंने साइज ऑर्डर किया वो है एक्स्ट्रा स्मॉल। अब मुझे नहीं समझ आ रहा मैंने इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल क्यों ऑर्डर किया, खैर जो भी है देखते हैं। इसमें मैंने स्मॉल ऑर्डर किया था और इसमें मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल ऑर्डर किया है, पता नहीं कभी गलती से तो नहीं हो गया, आई डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि ना इन दोनों का ब्रांड सेम ही है। मे बी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी अगर मुझे कुछ करेक्शन करना होगा तो। बाकी आप फिट तो देख ही लोगे, एक्स्ट्रा स्मॉल मुझ पर कैसा लग रहा है, स्मॉल मुझ पर कैसा लग रहा है। अब ये ड्रेस हम ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद ही हम प्रॉपर रिव्यू दे पाएंगे। सो लेट्स गो। सो या हियर आई एम, और ये एक्चुअली ड्रेस बहुत ही ज़्यादा शाइनी ब्लिंगी है, क्योंकि इसमें ना जो फ्रंट पोर्शन है ना वहाँ पे सारा सीक्वेंस का काम है। एंड आई एम हैप्पी फॉर वन थिंग, ये सीक्वेंस चिपकाए नहीं हुए हैं, इन्हें स्टिच किया गया, तो ये लॉन्ग रन में चलेंगे। अब ये भी ब्लड रेड कलर नहीं है, मतलब ब्राइट रेड कलर नहीं है, ये मरून कलर है। एक्चुअली ऊपर से मरून लगेगा बट नीचे से ये रेड है, नीचे वाला कपड़ा वेलवेट का है, तो एक्चुअली ऊपर से तो सीक्वेंस की शाइन आएगी और नीचे वेलवेट की कपड़े की जो शाइन होती है वो है। अब इसमें आपको स्लिट तो दिख ही रहा होगा, मैं प्रॉपर दिखा देती हूँ, फिर से अब चढ़ना पड़ेगा ऊपर। सो ये है स्लिट, अब ये थोड़ा थाई तक स्लिट आएगा, बिल्कुल यहाँ पर जहाँ पे आपका शॉर्ट्स एंड होता है ना उतना लंबा स्लिट है। आप देखो इसमें काफी लंबा स्लिट है, सो इट्स लाइक अ सेक्सी ड्रेस, और ये एक्चुअली मुझे फिट भी अच्छी है। अब मुझे नहीं पता, स्मॉल साइज मुझे काफी अच्छा फिट आया है और एक्स्ट्रा स्मॉल भी मुझे प्रॉपर फिट आया है। सो बट मैं यही कहूंगी कि आप अपना जनरल साइज ही मंगाना, मुझे नहीं पता मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल क्यों किया एक ही जैसे ब्रांड में, मतलब एग्जैक्टली एक ही ब्रांड में मैंने दो साइजेस क्यों मंगाए। सो आई लाइक गिव यू इन्फॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि ऐसा क्यों हुआ है, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। सो आप इसका लुक देखो, सीरियसली लुक बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स एक्चुअली श्योरली पार्टी ड्रेस, अ ब्लिंगी सेक्सी पार्टी ड्रेस। अब इसका थोड़ा बैक देखो, बैक पे पूरा कहीं पे भी सीक्वेंस नहीं है, पूरा वेलवेट का वर्क है। और इस ड्रेस में भी बाकी दोनों ड्रेसेस की तरह, जो हमने दो ड्रेसेस देखी है, कोई जिप कोई बटन नहीं है, बट ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो स्ट्रेचेबल है, तो आपको इजीली फिट होगा बट सफोकेटेड नहीं लगेगा। ऐसा दूसरे को देखने में भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ ऐसा पहना है जो बहुत ही ज़्यादा टाइट फिटिंग है, बहुत रिलैक्स्ड फिट है। एक्स्ट्रा स्मॉल के भी काफ़ी रिलैक्स्ड फिट आई है, सीरियसली फिट बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप देख सकते हो किसी भी तरह से टाइट नहीं है, अगर टाइट होता ना तो फिर ये ऐसा दिखता, तो फिर आप पता चलता कि ना कुछ ऐसा फंसा फंसा पहना है, बट ये बिल्कुल भी टाइट नहीं है, तो फिटिंग इसकी बहुत अच्छी है ये, और देखने में सीरियसली ये बहुत 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 अच्छा लग रहा है। नेकलाइन तो आपको दिख ही रही है, थोड़ा सा डीप है, ज़्यादा डीप तो नहीं बट थोड़ा डीप डेफिनेटली है। अगर आप थोड़े बस्टी हो, मतलब आपके अगर बस्ट साइज थोड़ा ज़्यादा है, हैवी बस्ट है, तो आपका क्लीवेज दिख सकता है। बट अगर आप मेरे जैसे हो जिनके बस्ट साइज थोड़े ए कप साइजेस वाले हैं, तो आपका ना क्लीवेज नहीं दिखाई देगा। सो ये एक पॉइंट है जो आपकी खुद की बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। बाकी हल्का सा डीप है, ज़्यादा डीप तो नहीं, वी है, और पीछे से तो बिल्कुल देखो नॉर्मल है, पीछे से कोई स्किन शो नहीं है बिल्कुल नीचे तक। लेंथ भी इसकी काफ़ी है, ऑलमोस्ट मेरे काव लेंथ तक आई है। मैं लेंथ फिर से दिखा देती हूँ, सब देख सकते हो काव लेंथ है, बट ये इतना बड़ा स्लिट है, सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ड्रेस, और मैं इसे भी 100% रेकमेंड करती हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ ऐसा पहना है जो कंफर्टेबल नहीं है, इट्स सुपर कंफर्टेबल। और एक्चुअली ना कुछ ड्रेसेस में मुझे ऐसा प्रॉब्लम आता है, जब मुझे ऐसा लगता है कि सीक्वेंस का काम हो रहा होता है ना, तो अंदर से कपड़ा ऐसा होता है कि सीक्वेंस चुभने लगते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि आई थिंक इसमें ना लाइनिंग दी हुई है, आप देख सकते हो फ्रंट इस नेट फैब्रिक पे ना स्टिच हुआ हुआ है, सारा सीक्वेंस का काम इस नेट पे स्टिच हुआ है, बट अंदर की तरफ फैब्रिक दूसरा है, तो ये बिल्कुल भी ना आप कह सकते हो चुभेगा नहीं, आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, इट विल मेक यू फील कंफर्टेबल, और सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कैसी भी आपकी बॉडी टाइप है, कुछ भी है, आप ये बिल्कुल बिना सोचे समझे पहन सकते हो।
अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब आप ड्रेसेस पसंद करते हो ना, ये एक्चुअली मेरा जनरल एडवाइस है, अगर आपको लेना है तो लेना, नहीं लेना तो मत लेना, बट मैं आपको यही कहूँगी कि आपका बॉडी टाइप कैसा है, आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, या आपका फैट है नहीं है, इन चीज़ों पर डिपेंड होके अपनी चॉइसेस मत बदला करो प्लीज़। लोग क्या कहेंगे, पेट दिख रहा है, ये है वो है। जो लोग बहुत पतले भी होते हैं ना, वो भी जब लंच करते हैं ना, उसके बाद उनका स्टमक ब्लोटेड होता है तो बाहर निकल जाता है। तो इतना ना कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको पसंद है ना, चुपचाप सिर्फ वही पहना करो और लोगों का बिल्कुल मत सोचा करो। जितना लोगों के बारे में कम सोचोगे, उतना ज़्यादा आप खुद को कॉन्फिडेंट फील करोगे और उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे। सो एक्चुअली आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी ब्यूटी है। जितने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होगे, जितना ज़्यादा कंफर्टेबल आप फील कर रहे होगे, उतने ज़्यादा आप सुंदर लगोगे। जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस, एक बार ये अप्लाई करके देखना एंड योर होल लाइफ इज़ गोना चेंज लिटरली। सो या ये भी मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है, अप्रूव्ड है। इसका जो क्वालिटी है, जो कंफर्ट है, जो फिट है, जो लुक है, इट्स फिनोमिनल। और ये 100% एक ब्लिंगी पार्टी ड्रेस है, जिसे आप आँख बंद करके बिल्कुल अपनी पार्टीज पे पहन सकते हो। यू कैन फ्लॉन्ट योरसेल्फ। सो एक्चुअली हमने तीन ड्रेसेस कवर कर लिए, अब हम अपनी फोर्थ ड्रेस देखेंगे। इसमें वैसे आई डोंट थिंक कि कुछ बचा है, छूट गया है कोई डिटेल, बट अगर स्टिल आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। सो दिस इज द फोर्थ वन। अब ये थोड़ी फॉर्मल टाइप की ड्रेस है, इट्स अ बिट एलिगेंट वन, क्योंकि ये ब्लेजर ड्रेस है। इसका जो ब्रांड है वो है कैजुअली, और जो मैंने साइज परचेज किया है वो है स्मॉल। सो अब हम इसे भी ट्राई करेंगे, उसी के बाद हम हर चीज कंपेयर कर सकते हैं और उसका रिव्यू दे सकते हैं। सो लेट्स गो। सो या गाइस, आई एम बैक विद द फोर्थ ड्रेस। बट ये जो थर्ड ड्रेस थी ना, वेलवेट वाली, इसमें एक दो अपडेट मैं देना चाहती हूँ कि जब आप इस ड्रेस को पहन के रिमूव करोगे ना, तो थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि जब आप उल्टे से ऐसे उतारोगे, क्योंकि आप ऐसे नहीं उतार सकते, इसका नेक एरिया इतना नहीं है और इसका इतना स्ट्रेच भी नहीं है कि आप बिल्कुल ना अप से डाउन उतार सको। आपको इसे ऐसे ही उतारना पड़ेगा, जैसे आप टी शर्ट्स वगैरह उतारते हो। तो ये सीक्वेंस ना आपके फेस पे लग सकते हैं, और अगर लग गए ना तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, रैश वगैरह हो सकता है या कट लग सकता है। तो आप बहुत ध्यान से इसे रिमूव करना, मतलब आप ऐसे उतारोगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना, फिर ये यहाँ पे लग सकता है, तो बहुत ध्यान से आपको रिमूव करना है। और एक अपडेट ना मैं और देना चाहती हूँ कि मैंने इसे थोड़ी देर पहना था तो मुझे कंफर्टेबल लगा, बट मुझे ना थोड़ा डाउट हो रहा था तो मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम पहना, और इतना मैं इसे कहूँगी 1-2% की ना अनकंफर्टेबिलिटी आपको हो सकती है। अब किस पॉइंट पे हो सकती है वो भी मैं एग्जैक्टली बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसे ना 2 घंटे पहना है, पहन के मैं घर में पूरा घूमी हूँ। तो अब मैं इसका प्रॉपर अपडेट दे सकती हूँ आपको, वो ये है कि जो इसकी स्टिचिंग है ना, ये आपकी स्किन पे ना थोड़ी लग सकती है कभी कभी, ऐसे आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है 1-2 बार। तो आप अगर ड्रेस अपना थोड़ा सा ऊंचा कर लोगे ना, तो आपका जो स्मॉलेस्ट वेस्ट एरिया होता है वहाँ पे ये आ जाएगा, तो ये चुभना बंद हो जाएगा। वैसे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 1-2 पॉइंट है जो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, अगर आप इस ड्रेस पर्टिकुलर ड्रेस को परचेज करने का सोचते हो तो। सो ये था इसका फाइनल रिव्यू। कंफर्टेबिलिटी का फैक्टर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब ऑब्वियसली हम अपनी फोर्थ ड्रेस के बारे में बात करेंगे। सो इट्स अ ब्लेजर ड्रेस, और ये एक्चुअली कुछ अजीब टाइप की ड्रेस है, मतलब ये पूरा ना ब्लेजर है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा स्लिट दिया हुआ, और ये स्लिट ना काफ़ी हाई है, आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा ये स्लिट हाई है, और अगर मैं चलूँगी ना या ऐसे घूमूंगी तो स्लिट खुल जाएगा। सो इट्स लाइक अ वेरी रिस्की ड्रेस। इसके नीचे आपको ना बॉय शॉर्ट्स या कुछ ऐसा ज़रूर पहनने के लिए मैं रेकमेंड करूँगी। हाँ, इसे आप टीम अप कर सकते हो किसी ट्राउजर के साथ हाई वेस्टेड, बट आप ऐसे पहनोगे, मतलब देख लेना आप कंफर्टेबल हो या नहीं, बट मैं तो डेफिनेटली कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि अगर आप बैठोगे तो खुल जाएगा वो ऐसे पूरा। मैं पर्टिकुलर नहीं पहन पाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा यार लंबा स्लिट है, आप देख रहे हो बिल्कुल यहाँ से तो नहीं पता चल रहा, बट ये ना 1 सेकेंड, अब आप ध्यान से देखो, ये पता है ना इतना खुला हुआ है, ये जो लास्ट बटन है सिर्फ यही क्लोजर है, उसके बाद ना ये दोनों फ्लैप ऐसे निकल जाएंगे, ये खुला हुआ है दोनों तरफ से। तो ये बहुत ही रिस्की है सिर्फ इसे एज अ ड्रेस पहनना, क्योंकि अगर आप शॉर्ट्स पे पहनोगे ना तो हर टाइम आपका शॉर्ट्स दिखता रहेगा, क्योंकि आपको बैठना भी होता है, सब कुछ होता है। तो ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। वैसे ये 100% विंटर अप्रोप्रिएट पीस है, और बिल्कुल ब्लेजर वाला कपड़ा है, थोड़ा मोटा भी है और आप विंटर्स में इजिली पहन सकते हो। इसे मैं ना ट्राउजर के साथ पहनना पसंद करूंगी, क्योंकि उसके साथ मैं बिल्कुल सेफ एंड साउंड लगूंगी, और मैं इजिली बैठ सकती हूँ, उठ सकती हूँ, घूम सकती हूँ, मुझे परवाह नहीं करना पड़ेगा। और ये वैसे ना बहुत छोटा है, मैं आपको एक बार लेंथ दिखाऊंगी, बट मैं कुछ डिटेल्स कवर कर देती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसका कलर भी बहुत प्रिटी है, आप देख रहे हो बिल्कुल ब्लड रेड कलर है। थोड़ा इसका नेकलाइन भी ना डीप है, देखो वो ब्लेजर टाइप का ही है पूरा, ये नेकलाइन भी थोड़ा डीप है। आप चाहो तो इसे किसी पोलो नेक स्वेटर के ऊपर भी पहन सकते हो, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगेगा सीरियसली। अब मैं इसकी लेंथ दिखा देती हूँ। ओ सॉरी, बैक भी देख लो आप, बैक बिल्कुल इसका नॉर्मल है, कुछ नहीं है बैक में, कुछ भी हैपनिंग नहीं है। वेट अ मिनट, बैक इज बिल्कुल नॉर्मल, इसमें कुछ भी हैपनिंग नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना लेंथ दिखाती हूँ इसका। अब क्या करें, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
ये है इसकी लेंथ, वैसे ही काफी छोटा है, आप देख रहे हो बहुत ही छोटा है। मेरी हाइट तो 5 फीट है, अगर आप मुझसे लंबे हो ना तो आपको और छोटा आएगा। और फ्रंट से ना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है ये, वेट अ मिनट, मतलब मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये ना फ्लैप खुल जाएगा, क्योंकि यहीं तक ही सिर्फ बंधा हुआ है। वेट अ मिनट, जहाँ पर ये बटन है ना सिर्फ यहीं तक ही बंद है आपका पूरा ये, उसके बाद ये खुल जाएगा। लेंथ के मामले में इसे रेकमेंड नहीं करूँगी, मैं इसे एज अ ड्रेस नहीं देखती हूँ, मैं डेफिनेटली इसे एज अ ब्लेजर ही देख रही हूँ। लुक बहुत अच्छा है इसका, बट मैं इसे सिर्फ इसे पहन नहीं सकती हूँ फॉर श्योर, इसके नीचे मुझे कुछ भी लोअर पहनना ही पड़ेगा। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर ड्रेस ड्रेस की कैटेगरी में नहीं आ रही है। आप अपने हिसाब से देख लेना, और मेरी बात से आप एग्री कर रहे हो या नहीं ये नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। सो मुझे भी पता चले कि मुझे ही ऐसा लग रहा है या आप लोगों को भी लग रहा है। सो आप अपने कमेंट्स ना, आप अपना थॉट्स, अपने फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते रहा करो, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। सो ये लुक वाइज बहुत अच्छा है, विंटर अप्रोप्रिएट है, सब कुछ है, बट ये एज अ ड्रेस मैं इसे नहीं पहन सकती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नीचे से खुला हुआ है, पूरा ऑलमोस्ट पूरे लेग्स आपके दिखेंगे, अगर आप बॉय शॉर्ट्स पहनते हो ना तो वो भी दिखाई देगी। तो ये ड्रेस के लिए नो है, बाकी कंफर्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी, कलर इसका बहुत अच्छा, पैटर्न भी इसका बहुत 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 सुंदर है। अभी वैसे मुझे प्राइस तो याद नहीं है, सारे प्राइसेस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर जरूर फॉलो करना। मैं अपने पर्सनल लाइफ के इनसाइट्स वहाँ पे शेयर करती हूँ, और फैशन वीडियोस डेफिनेटली मैं शेयर करती हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, मेरी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी का भी आप हिस्सा बनिए, बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों को जो लोग मेरी कम्युनिटी का हिस्सा है, और जो लोग मेरी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं भी है या बनने का सोच रहे हैं उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से थैंक यू है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ना मुझे स्ट्रेंथ मिलती है और वीडियोज़ बनाने की, अपना कंटेंट एवरी वीडियो में इंप्रूव करने की। सो कीप सपोर्टिंग, कीप कनेक्टिंग, और ऐसे ही मेरे साथ मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बने रहिए, बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली बाय सब्सक्राइबिंग एंड फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। या तो अब हम नेक्स्ट ड्रेस पे फटाफट मूव करते हैं। सो हमारे पास दो ड्रेसेस बची हैं। अब ये जो ड्रेस है ना वो मैंने स्पेसिफिकली चूज की थी फॉर फ्लोरल लवर्स, मुझे भी एक्चुअली फ्लोरल प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब आप देखो ये थोड़ा ना पतला कपड़ा है, पॉलिएस्टर है एक्चुअली ये, आप इसे ठंड में पहन सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने टर्टल नेक स्वेटर्स के साथ, क्योंकि बहुत 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 अच्छा लगेगा। इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा है। अब इसका जो ब्रांड है वो है ड्रेसबेरी। अब ड्रेसबेरी के मैंने काफ़ी सारे कपड़े ट्राई किए, इनका ना क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है, और जो मैंने साइज ऑर्डर किया वो है स्मॉल। अब मैं इसे ट्राई करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। सो या हियर वी आर विद द फोर्थ ड्रेस, नहीं विद द फिफ्थ ड्रेस। सो ये एक्चुअली बहुत अच्छा फिट आ रहा है इसका, देखो फ्लो कितना अच्छा है, आई लव 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 इट, बहुत ही कंफर्टेबल है, पॉलिएस्टर फैब्रिक है, इसे आप टीम अप कर सकते हो, इतना स्पेस है अंदर के मैं आराम से एक स्वेटर पहन सकती हूँ। अब इसका नेकलाइन देखो, नेकलाइन इसका बिल्कुल कॉमन है, थोड़ा वाइड भी नेकलाइन है। बैक दिखाती हूँ, बैक इसकी बिल्कुल प्लेन है, थोड़ा सा ऊपर स्किन शो है, अदरवाइज कहीं पर भी नहीं है। अब इसमें एक बेल्ट भी दिया हुआ है, कहाँ गया बेल्ट, या हेयर इट इज, बेल्ट भी दिया हुआ है इसमें आपकी वेस्ट को एसेंशुएट करने के लिए। और इसका बेल्ट देखो, सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही वर्सेटाइल बिल्ड है। यहाँ पे आपका बेल्ट सेक्शन आ जाएगा तो थोड़ा ये टाई अप हो जाएगा, जैसे एक सेकेंड यहाँ पे बेल्ट आएगा तो थोड़ा टाई अप हो जाएगा, और नीचे से देखो कितना ब्यूटीफुल फ्लो है, और ये मेरे नी लेंथ से नीचे तक आ रही है, तो आपको नी लेंथ पे पक्का आ जाएगी अगर आप मुझसे लंबे हो तो। मेरी हाइट अगेन इज 5 फीट, और ये यहाँ से तो बिल्कुल कॉमन है, ये एक्चुअली आप कह सकते हो फ्लेयर ड्रेस है, ऊपर से फिटेड है और नीचे से फ्लेयर्ड है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे फैला हुआ है, फ्लो आ रहा है, ऐसी ड्रेस को फ्लेयर्ड ड्रेस बोलते हैं। और इसके बॉटम पे एक्चुअली एक रफल सेक्शन दिया हुआ है, बट बहुत ज़्यादा रफल्ड नहीं है, मतलब ये ऐसे ऐसे नहीं है वेव्स की तरह, बट बहुत ही लूज वेव्स की तरह है, सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बिल्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, लग भी काफ़ी अच्छा रहा है, फील भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, सो मैं इसे बिल्कुल रेकमेंड करती हूँ, और ये बहुत 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 अच्छा है। एक्चुअली ड्रेसबेरी के जो क्लोथ मटेरियल होता है या चीज़ें जो भी आती हैं वो काफ़ी अच्छी होती है, कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ड्रेसबेरी की ट्राई करी हैं, और मुझे ब्रांड पे ना ट्रस्ट है, इस पर्टिकुलर ब्रांड पे तो ट्रस्ट है ही है, और मिंत्रा से ही मैंने सारी चीज़ें मंगाई, मैंने एक्चुअली आपको स्टार्टिंग में बताया था आई गेस। सो दिस ड्रेस इज वेरी वेरी प्रिटी, इट्स एक्चुअली क्यूट फन लुकिंग ड्रेस, और मुझे बहुत 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 अच्छी लगी ये ड्रेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसमें, इसमें एक तरफ पॉकेट भी है, दोनों तरफ तो नहीं है बट एक तरफ डेफिनेटली पॉकेट है, तो आप अपना फोन वगैरह रख सकते हो। इसका प्रिंट भी देखो बहुत सुंदर है, मैं इसे 100% रेकमेंड करती हूँ, इट्स अ वेरी फन ब्यूटीफुल ड्रेस, सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैं इसे भी रेकमेंड करती हूँ। यार एक्चुअली आज के हॉल में ना सारी चीज़ें मुझे ऑलमोस्ट अच्छी लगी हैं,
सो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो लास्ट वाला ड्रेस है ना वो भी मुझे अच्छा लगे। एक्चुअली ये बेरीलश का ड्रेस है। अब मुझे ब्रांड इसलिए पता है क्योंकि इस ब्रांड का ना एक पर्टिकुलर ड्रेस मेरे पास है, लॉन्ग वाला नेवी ब्लू कलर में। तो ड्रेस काफ़ी अच्छा है, ये क्रेप मटेरियल है फॉर श्योर, क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं बता रही हूँ। और जो मैंने साइज ऑर्डर किया है वो है स्मॉल। अब मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसा है। ये थोड़ा लॉन्ग है बट इसमें काफ़ी सारे फन पार्ट्स भी हैं, तो मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा लास्ट ड्रेस हमारा। सो ये हॉल खत्म होने वाला है, बिल्कुल वीडियो स्किप मत करना, इसे लास्ट तक जरूर देखना। अच्छा वैसे एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, ये एक्चुअली जो कलर है ना वो ब्राइट रेड नहीं है, ये थोड़ा ऑरेंजिश रेड कलर है। आपको पूरा ऑरेंज हो सकता है लग रहा हो बट ये ऑरेंजिश रेड कलर है, ऑरेंज कलर नहीं है, थोड़ा रेड है विद अ टिंट ऑफ ऑरेंज। सो कलर का मैंने आपको बता दिया प्रॉपर, क्योंकि हो सकता है लाइटिंग में थोड़ा कलर डिफरेंट दिख रहा हो बट यही एक्चुअली कलर है, क्योंकि मैं तो इसे देख रही हूँ ना अपने सामने से। सो या मैंने इस ड्रेस के बारे में सब कुछ कवर कर दिया है, अब हमारी लास्ट ड्रेस बची है तो हम उसे भी ट्राई कर लेते हैं। देख ही सकते हो आप जिप क्लोजर है पीछे जिसे आप इजीली बंद कर सकते हो, और ये बिल्कुल लाइफ सेवियर होता है अगर आप जिप को खुद बंद कर सकते हो ड्रेस में तो। और सीरियसली मुझे बहुत 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 अच्छी लगी यार। आप देख सकते हो यहाँ पे स्लीव्स पे रफल डिटेलिंग है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था ये एक मैक्सी ड्रेस है विद लॉट ऑफ फन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कटआउट डिटेलिंग है दोनों तरफ। सो दिस ड्रेस हैज अ ब्यूटीफुल स्लिट, और ये स्लिट एक्चुअली लोअर थाई तक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली घूमने में फिरने में बैठने में, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ स्लिट है और काफी ज्यादा फ्लो है इस ड्रेस में। बैक से थोड़ा सा दिखा देती हूँ। सो बैक पे आप देख सकते हो बहुत सारी हैपनिंग है, ये बीच का सेक्शन आपका बिल्कुल अलग है, और ये बहुत ही डिफरेंट है इसका जो आप कह सकते हो बिल्ड है ड्रेस का। अब इसमें दो जिप्स हैं, एक तो ऊपर की तरफ जो मैंने स्टार्टिंग में बंद की थी और एक इस तरफ है, ठीक है। तो ये कंफर्टेबली आपको हग करेगा बट बहुत सफोकेटेड फील नहीं करेगा, और सीरियसली काफी सुंदर लग रही है। अब मैं इसका लेंथ दिखाती हूँ आपको, लेंथ भी काफी अप्रोप्रिएट है इसका, मुझे तो थोड़ा लंबा ही आ रहा है, हील्स पहनोगे तो बिल्कुल कंफर्टेबल आएगा। अब आप देख सकते हो, सो एक्चुअली दिस इज द ड्रेस। आप देख रहे हो कितनी प्रीटी है, कितनी प्रिटी और स्टनिंग है ये ड्रेस, और एक्चुअली आप पे बहुत 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 अच्छी लगेगी। पार्टी में आप इसे फ्लॉन्ट करना, एवरीवन विल आस्क यू कि ये ड्रेस आपने कहाँ से ली। अब ये ड्रेस ना पूरी हैपनिंग है, इसमें जो नीचे का एयर ये भी एक फ्लेयर ड्रेस है, ऊपर से फिटेड है और नीचे से फ्लो है, और लिटरली काफी बहुत अच्छा फ्लो है, मतलब लिटरली बहुत सुंदर फ्लो है, मतलब काफी ज्यादा फ्लो है। मैं दिखा सकती हूँ आपको थोड़ा सा, तो सो दिस इज द फ्लो, और सीरियसली काफी अच्छी लग रही है। अब फ्लो का अगर आपको अंदाजा नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं फिर से चढ़ जाती हूँ ऊपर। अब आप देख लो इसका फ्लो, सो दिस इज द फ्लो, देख रहे हो आप कितना सुंदर फ्लो है इसमें। इस ड्रेस का बिल्ड बहुत 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 अच्छा है, इसका लेंथ भी बहुत अच्छा है, इसका जो फिट आया है वो भी बहुत कंफर्टेबल फिट है। सीरियसली काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे, अभी तक की ना सबसे अच्छी ड्रेस मुझे यही लगी। सो ये मेरी फेवरेट है, कहते हैं ना सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, सो वही सिचुएशन है, ये सबसे अच्छी लगी मुझे इन सब ड्रेसेस में से। मैं इससे बिल्कुल आंख बंद करके रेकमेंड कर सकती हूँ, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा प्राइसी नहीं है, सारी ड्रेसेस अफोर्डेबिलिटी रेंज में ही है। सारी प्राइसेस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो वहाँ पे जाके देख सकते हो। और ये ड्रेस मैं 100% रेकमेंड करती हूँ, और ये मेरी फेवरेट है सीरियसली। आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। सो अब ये हॉल होता है यहीं पे खत्म, मतलब मैं आपको सारी ड्रेसेस दिखा चुकी हूँ, ये लास्ट ड्रेस है जो मुझे सबसे अच्छी लगी। सो हमारा हॉल होता है यहीं पे खत्म। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक करना, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर जरूर शेयर करना। बिकम अ पार्ट ऑफ माय यूट्यूब कम्युनिटी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी या।